इसराइल की जानिब से 15 दिनों से जो मुसलसल बमबारी हो रही है वो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। हमारा मुल्क फिलिस्तीनी कॉज के साथ खड़ा हुआ है आज भी, वो इसराइल की जबरन ऑक्यूपेशन को आज भी कबूल नहीं किया। जिस अंदाज में कुछ मीडिया चैनल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा मुल्क अब इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करने की पाबंदी लगाना ये बिल्कुल गैर आइनी है, गैर इंसानी है। और मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं पैलेस्टाइन कॉज के लिए, उनकी हमदर्दी जताना चाहते हैं, उनको इजाजत मिलनी चाहिए। और एहतजाज में इजरायली ऑक्यूपेशन और इजरायली नाइंसाफी के खिलाफ में आवाज उठाई जाए। और यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के कमिश्नर ने कहा है कि अगर हालात इसी तरीके से चलते रहे तो वहां पर कहर बरपा हो जाएगा, इसको रोकना बहुत जरूरी है। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj main aapke samne ek bahut hi ahem aur hassas masle par roshni dalne ke liye hazir hua hu. Aap sabhi jante hain ki pichle 15 dinon se jis tarike se इसराइल की फिलिस्तीन के ऊपर जो बमबारी चल रही है और उसके नतीजे में 4000 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई है, और उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। जो फिलिस्तीन की आधी फीसद आबादी बच्चों से बनी हुई है, यानी कि 50% फिलिस्तीनी बच्चे, और उनके ऊपर जो बमबारी हो रही है उसके ताल्लुक से कई सारे महाज पर बात चल रही है। खास करके यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश हुई थी, जिस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से वीटो करते हुए रोक दिया गया, जिसके अंदर मुद्दा ये था कि ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस, यानी कि वहां पर बमबारी को कुछ वक्त के लिए रोका जाए और वहां पर जो खाने पीने की चीजें हैं और जो जरूरी दवाइयां हैं वो पहुंचाई जा सके, उसको भी यूनाइटेड नेशंस की जानिब से जब उसके लिए रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश हुई तो उसको रोका गया। अब एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल के साथ भी खड़ा नजर आता है और मुकम्मल तौर पर उनको मिलिट्री की फराहमी देने की कोशिश करता है, और उसके जो बहरी बेड़े हैं यानी कि मिलिट्री वॉरशिप्स हैं वो इसराइल के समंदर के नज़दीक पहुंची हुई हैं। ये तमाम तर चीजें हो रही हैं। कमोबेश 25% गाजा अब धूल में जा चुका है, धूल मिट्टी बन चुका है, और वहां पर 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख की आबादी आज ना तो उनके पास घर है, ना तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो उनके पास खाने पीने का सामान है, और ऊपर से जो बमबारी हो रही है उसमें कभी भी उनके ऊपर एक मौत मंडरा रही है, एक ऐसा खतरा जो कि किसी भी आम इंसान के लिए सोचना भी मुनासिब नहीं है, वैसे हालात में वो जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, जिसकी कोई भी जिस अंदाज में बताया जा रहा है कि वहां पर 1400 लोगों की मौत हुई है, उसकी कोई भी हिमायत नहीं कर सकता है जिस अंदाज में बताया गया है कि उसकी मौतें हुई हैं। लेकिन मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूं कि जो उसके बाद में उसके नतीजे में इसराइल की जानिब से 15 दिनों से जो मुसलसल बमबारी हो रही है वो इंसानियत के खिलाफ है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है, और किसी भी जंग में वहां पर वहां के रहने वाले रिहायशियों के साथ जो सलूक होना चाहिए वो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। ऐसे हालात में जब हमास की जानिब से वहां पर हमला हुआ था, उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक बयान दिया था, एक ट्विटर पे ट्वीट किया था कि ऐसे मुश्किल हालात में हम इसराइल के साथ खड़े हैं ऐसे मुश्किल हालात में। मगर उसके बाद में 5 दिनों के बाद जो बमबारी हो रही थी उसके नतीजे में जो कोहराम मच गया था पूरे दुनिया भर में, उसके नतीजे में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा कि हम फिलिस्तीन के जो मसले को
हमेशा से जो ताईद करते आए हैं उसके साथ हमेशा खड़े हुए हैं और आज भी खड़े हैं, यानी कि टू नेशन सॉल्यूशन, दो मुल्कों का अमन के तरीके अमन में बरकरार रहने के लिए जो तरीकेकार अपनाया जा सकता है वो अपनाना जरूरी है। ये वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वाजे किया। फिर उसके बाद दो रोज पहले हमारे प्रधानमंत्री महमूद अब्बास साहब से बात करते हैं, जो कि फिलिस्तीन लिबरेशन अथॉरिटी के वहां के सदर हैं, उनसे बात करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की बात करते हैं। ये तमाम तर चीजें हमारे मुल्क की जानिब से की जा रही है, यानी कि हमारा मुल्क फिलिस्तीनी कॉज के साथ खड़ा हुआ है। आज भी वो इसराइल की जबरन ऑक्यूपेशन को आज भी कबूल नहीं किया है, जिस अंदाज में कुछ मीडिया चैनल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा मुल्क अब इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये बात हुकूमत के मातहत चलने वाले इदारों से भी कहना चाहता हूं कि आज भी फिलिस्तीन के साथ वहां की जो वहां पर जो एक आजाद मुल्क बनाने की जो कोशिश होनी चाहिए उसके साथ में हमारा मुल्क भी खड़ा हुआ है। लिहाजा अगर कोई तंजीम, अगर कोई शख्स फिलिस्तीन का झंडा लेकर अगर फहरता है और साथ ही साथ हमारे मुल्क की खारजी पॉलिसी के साथ में खड़ा होता है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप उसके ताल्लुक से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ये बात नहीं कही जा सकती है। कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी एक रेजोल्यूशन पास करती है कि वो फिलिस्तीनी कॉज के साथ खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ कर्नाटका की जो कांग्रेस हुकूमत है वो ये कह रही है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया में इवन जो यहूदी है, जो यहूदी है, अमन पसंद यहूदी है, वो भी कह रहे हैं कि इसराइल की जो ऑक्यूपेशनल पॉलिसी है उसके वो खिलाफ है और ये चाहते हैं कि इमीडिएटली सीज फायर हो, और उसके ताल्लुक से कैपिटल व्हाइट हाउस के पास भी प्रोटेस्ट किए गए हैं, और दीगर तमाम तर अमन पसंद तंजीमें ये बात कह रही है कि इसराइल जिस तरीके से बमबारी कर रहा है वो किसी भी तरीके से उन लोगों को कबूल नहीं है, तमाम तर मुल्क ये बात कह रहे हैं। तो ऐसे हालात में अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसको इजाजत मिलनी चाहिए कि वो इंसानियत की खातिर आवाज बुलंद कर सके। प्रोटेस्ट करने की पाबंदी लगाना ये बिल्कुल गैर आइनी है, गैर इंसानी है, और मैं ये मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इन सॉलिडारिटी विद फिलिस्तीन पैलेस्टाइन कॉज के लिए उनकी हमदर्दी जताना चाहते हैं, उनको इजाजत मिलनी चाहिए। वहां पर हजारों की तादाद में बच्चे मर रहे हैं, वहां पर हर 15 मिनट में एक बच्चे की शहादत हो रही है। ऐसे हालात में अगर दुनिया भर से आवाजें नहीं उठेंगी तो उसको कैसे हम अपनी आवाज को मजबूत करते हुए इसराइल को यह बता सकें कि आपका इकदाम ये बिल्कुल ना इंसानियत के खिलाफ है, ये आप कैसे बता सकते हैं। ये जरूरी है कि एहतजाज हो, और एहतजाज में इसराइली ऑक्यूपेशन और इसराइली नाइंसाफी के खिलाफ में आवाज उठाई जाए। हम इस बात से कतई इनकार नहीं करते हैं कि जो हुआ इसराइल में वो इंसानियत के जो तकाजे हैं उसके खिलाफ वर्जी हुई है, लेकिन उसके बाद जो रद्द अमल पे नजर में आ रहा है, 15 दिन से बमबारी हो रही है, अल आहलिया अस्पताल में वहां के अहाते में जो बमबारी हुई थी उसके नतीजे में 500 से जायद अस्पताल के अहाते में अमन पसंद लोग शहीद हो गए थे, उसकी मजम्मत कैसे हो। उसकी मजम्मत करने के लिए लोगों को इजाजत मिलनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कई सारे मामला चल रहे हैं, अभी हर दिन 500 से ज्यादा ट्रक्स ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ पहुंचा करते थे जब 7 तारीख से पहले, अक्टूबर 7 से पहले, अब हालत यह है कि 15 दिन के बाद में अब जाकर 20 ट्रकों को इजाजत मिली है कि वो जाकर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा सके। हालात बहुत मुश्किल हैं, एक एक तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग आज यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के माते चलने वाले स्कूल्स अस्पताल वहां पर अपने तहफ्फुज़ के खातिर वहां पर अपनी हिफाजत के खातिर वहां पर मौजूद हैं। अगर उनको भी वहां से हटने के लिए कहा जाएगा, जैसे इजराइल चाह रहा है कि पूरा नॉर्थ गाजा
कि जो लोग हैं वो हटकर चले जाएं और स्कूल्स को भी छोड़ दें और अस्पतालों को भी छोड़ दें, तो ये नाइंसाफी है, ये वहां के लोगों के ऊपर जुल्म है, और इस जुल्म के खिलाफ में आवाज उठाने से रोका नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ में आवाजें भी उठनी चाहिए और इसराइल को बताना चाहिए कि ये नाइंसाफी फौरी तौर पर बंद हो। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के कमिश्नर ने कहा है कि अगर हालात इसी तरीके से चलते रहे तो वहां पर कहर बरपा हो जाएगा, इसको रोकना बहुत जरूरी है। मेरी यही गुजारिश है हुकूमतों से कि अमन पसंद मुजाहिरों को करने की इजाजत देनी चाहिए ताकि इसराइल को ये जताया जा सके कि वो वहां के लोगों के साथ, गाजा के लोगों के साथ जो पिछले कई सालों से नाइंसाफी हो रही है उसमें और मजीद इजाफा ना करे बमबारी करके। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबाह नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।